हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकता मशीन्स। नमस्कार दोस्तों, एकता मशीन्स में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज़ के अंदर हमारे एकता ब्रांड के जो फ्लेवर्स है, जो रेडी फ्लेवर्स है, जो रेडी मिक्सेस है फॉर सिंथेटिक जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक, ये दोनों फ्लेवर्स हम आपको डिटेल में बताएंगे प्रिपरेशन कैसे होगा। सो दीज एकता ब्रांडेड फ्लेवर्स ऑफ आर्स एंड वील बी शोइंग यू द प्रोसीजर ऑफ हाउ द फ्लेवर इज प्रिपेयर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द फ्लेवर्स। वील बी प्रिपेयरिंग लीची जूस एज वेल एज मैंगो जूस। दीज आर थिक जूसेज। ये जो जूस है ये थिक जूस है, जिसे हम घट भी बोलते हैं। ये है घट मैंगो फ्लेवर और ये घट लीची। ये दोनों का प्रिपरेशन कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। एंड ऑल्सो विल बी शोइंग यू द प्रिपरेशन फॉर सॉफ्ट ड्रिंक फ्लेवर्स। जो सोडे के जो फ्लेवर्स है, हमारे पास पूरा रेंज है मशीनरी का। सो अलॉन्ग विथ मशीनरी यू विल बी गेटिंग द फ्लेवर्स एज वेल फ्रॉम अस। एकता ब्रांडेड फ्लेवर्स, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ आर फ्लेवर्स, बिकॉज हम जो मशीन्स हम कस्टमर को देते हैं उसके साथ हम फ्लेवर्स भी ऐसे देते हैं जो कस्टमर को परफेक्ट क्वालिटी क्लिक हो, जो मार्केट के अंदर परफेक्शन में रहे और अच्छे में अच्छी क्वालिटी वो दे पाए। सो वी विल बी शोइंग यू द प्रिपरेशन अलॉन्ग विद दीज flavors. It will be providing you with the powder as well. We'll be providing with the powders. You can see this powder is for mango, this one is for nimbu masala. Nimbu masala is our flagship product, and now we'll be showing you the procedure. So first of all, you can see these are the jars. इसमें हमने जो चाशनी है, जो शुगर की जो चाशनी है, शक्कर की चाशनी है, ये हमने मेल्ट करके, वी हैव बॉइल्ड इट, हमने बॉइल करके इसको मेल्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें ऑलरेडी हमने जो मसाला है, जो पाउडर है, वो ऑलरेडी हमने इसमें डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। पाउडर ऑलरेडी मिक्स्ड है इसके अंदर। आफ्टर द बॉइलिंग इज़ डन, इमीजिएटली वी मिक्स द पाउडर विथ इट। एंड यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ओवर हियर दिस इज़ 6 kilos ऑफ शुगर, दिस इज़ 4 kilos ऑफ शुगर, एंड दीज आर 7 kilos ऑफ शुगर। तो ये जो फॉर्मुलेशन के अंदर कितना शुगर का मात्रा होना चाहिए, ये हर चीज़ जो हमारे मिक्सचर है उसके अंदर हर चीज़ डिटेल के अंदर हमने बताया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी मिक्सिंग द मैंगो, एकता शाही मैंगो। यू कैन सी द कलर इज ब्यूटिफुल, एंड आई विल ओपन इट अप नाउ। द अरोमा इज अमेजिंग। दिस अरोमा इज समथिंग लाइक अल्फांसो मैंगो। इसकी जो खुशबू है वो अल्फांसो मैंगो के ऊपर बेस है। जो स्वीटनेस है मैंगो का, ये इस फ्लेयर के अंदर आपको मिलेगा। सो नाउ विल बी मिक्सिंग दिस इन दिस जार। आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी 7 kilo का हमने चाशनी प्रिपेयर किया हुआ है। एंड नाउ आई विल बी मिक्सिंग इट। नाउ यू सी आई एम पोरिंग द लिक्विड इन इट। ओके, वंस द लिक्विड इज पोर्ड, ये लिक्विड डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। नाउ यूजुअली व्हाट पीपल डू इज दैट दे डू इट मैन्युअली, वो मैन्युअली यूज़ करते हैं, बड़ा सा चम्मच यूज़ करके मिक्स करते हैं। बट वी विल बी शोइंग यू मिक्सिंग विद अ स्टरर। स्टरर से भी आप इमीडिएटली फास्ट मिक्स कर सकते हैं। नाउ आई विल बी शोइंग यू हाउ द मिक्सिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द स्टरर। सो नाउ I'll be putting the stirrer. आप देख सकते हैं। For 2 minutes we have to mix it rigorously. You can see with the help of the stirrer how quickly in 2 minutes we have mixed it. फटाफट 2 minute के अंदर पूरा mix हो गया है। You can see with the help of stirrer we have mixed it so quickly, so efficiently.
इतने टाइम में कभी स्पून से नहीं होता मैन्युअली. सिमिलरली आफ्टर मिक्सिंग इट, मिक्सिंग द मैंगो, नाउ द सायरप इज प्रिपेयर्ड. ये जो सायरप है ये प्रिपेयर हो गया है. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन दिस इज द 7 liters सायरप. सो वील बी मिक्सिंग द रेस्ट ऑफ द वाटर विथ इट. हम पानी जो है इसमें 7 liters जो है सायरप मिक्स हुआ है एंड रेस्ट इसमें पानी मिक्स करके इसमें आपका परफेक्ट जूस तैयार होगा. आपका परफेक्ट जो थिक मैंगो जूस है जैसे हम बाजार में देखते हैं माजा, फ्रूटी, अल्फांसो, ऑल दीज फ्लेवर्स, यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दैट विद दिस फॉर्मुलेशन. सो नाउ आफ्टर प्रिपेयरिंग द मैंगो वील बी डूइंग फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक. अभी हम नींबू मसाला फ्लेवर जो है ये प्रिपेयर करेंगे. सो नाउ वील बी प्रिपेयरिंग नींबू मसाला फ्लेवर. सो फॉर दैट फ्लेवर दिस इज 4 liters ऑफ शुगर अकॉर्डिंग टू आर फॉर्मुलेशन. वी हैव गिवन रेडी फॉर्मुलेशन फॉर ईच एंड एवरी फ्लेवर. दिस इज अ 4 liters शुगर सायरप. ये 4 liters का शुगर सायरप है. इसमें हमने ऑलरेडी जो नींबू मसाला जो आता है ये आप देख सकते हैं, इसका जो पाउडर है नींबू मसाला, इसमें हमने ऑलरेडी ये जो पाउडर है हमने डाल दिया है राइट आफ्टर बॉइलिंग इट. एंड इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि सारे जो डिटेल्स में हमने स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया हुआ है कैसे बनाना चाहिए फ्लेवर को. सो नाउ आई विल बी पोरिंग द रॉयल नींबू मसाला फ्लेवर. Now I'll be using the stirrer. Kindly note that we have to wash it. ये जो stirrer है ये धोना बहुत ज़रूरी है पहले, तो हम इसको पहले धोएंगे. Just to show you, I am cleaning it with the water, the drinking water. I am cleaning it. खाली बताने के लिए हम इसको clean कर रहे हैं. So after cleaning it, I'll be using the stirrer over here. मैं on करूँगा. See, the best part is I can just keep it over here. मैं इसे खाली रख दूंगा यहाँ पे in the center. That's it. I have just kept it over here. See, I have removed my hands. The user can remove his hand and the stirrer will do his job. Stirrer, मैंने खाली मेरा हाथ हटा दिया है और stirrer में देखिए easily mix हो रहा है, एकदम easily पूरा mixing चालू है. All right. So the mixing is perfect now. Similarly, आप देख सकते हैं मैंने नींबू बनाया हुआ है और मैंगो बनाया हुआ है. Likewise, we can create लीची also and any other flavor, whatever flavor you require. Even if you have any unique flavor in your mind, you can tell us. ये जो है ये basic ingredients है. With these flavors, you can create amazing different kinds of juices as well as soft drinks. Now, if a customer wants anything more, if a customer needs a better additive or a better alternative for different flavors, so we can help them enhance their product with more ingredients. आपको जो जो ingredients लगेंगे आपके beverages बनाने के अंदर वो सारे ingredients हम आपको provide करेंगे as well as the preservatives. Preservation is also very very important. Along with these different beverages, preservation plays a very important role and we provide our customers with the best of the preservatives, the highest standard preservatives as well as the flavors. So basically you get everything under one roof. Soft drink बनाने के लिए machines as well as material.